जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली में कुत्ता भी भौंकेगा तुमको, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी। क्यों तू? और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कानों पे लेट जाए। अरे भैया, तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे वापस बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। रूल नंबर वन, अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो किताबों के साथ साथ चेहरा पढ़ना भी आना चाहिए। किसी का डर नहीं है तो कम से कम भगवान से तो डरो, और संभाल नहीं सकते ना सालो तो पैदा भी मत करो। पहन के आकाश में चढ़े थे सपने हमारे, हरदम औकात से बंद। बाबा इंतखाब ओरिजिनल ऑडियो। हाजरीन, अपना मकसद पैसा कमाना नहीं, दोस्त कमाना है, और कसम इस माहौल की यही अपने लिए खजाना है। देखिए, घंटे मैटर नहीं करते, कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, इतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5-6 घंटे ही आपको देने हैं, उतने निकालने हैं, पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो, वो कंसिस्टेंटली आपको रोज उतना ही अपने पढ़ाई को देना है। कंसिस्टेंसी इज द की। तो क्या करें, अगर गम है जिंदगी में तो बैठ जाएं एक कमरे में, सर पर हाथ रखकर सोचते रहें। नहीं कर सकते यार, लाख परेशानियां भी होना तो हमको उठना पड़ेगा, वापस जिंदगी में लड़ना पड़ेगा। हमको विरासत में बस हिम्मत मिली है, इसीलिए हर तकलीफ से आसानी से लड़ लेते हैं हम। सबको गम है, लेकिन आगे तो बढ़ते रहना होगा ना। मैं अपनी बताता हूँ पर्सनली, मैं पहले से ही जब छोटा था तो पहले से सोचता आया हूँ कि यार मतलब थोड़ा फेमस नहीं होना, ज़्यादा फेमस होना है, कि ऐसे हाथ उठाएं तो भीड़ चिल्ला जाए कहीं स्टेज। मैं नाजिम से बताता भी था कि यार ऐसा हो, इस टाइप से हो कि हाथ उठाएं तो शोर मच जाए, ऐसे था पहले से। यूट्यूब से भी बीता हुआ कल और आने वाला कल इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। कि जब इंसान के अंदर घमंड नहीं होता ना, तो उसको सुनाई भी अच्छे से देता है। तो जो सुन सकता है वो समझ सकता है, जो समझ लेगा वो कर लेगा। वाह, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी चीज है जहाँ पर आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एक ऑर्डिनरी आदमी कैन बिकम अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक सामान्य आदमी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास कैन बिकम अ रिचेस्ट पर्सन। बस इतना कामयाब बनाना है खुद को, अगर कहीं जाऊं तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना पड़े।